गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक से होंगे और अपने गार्डनिंग के कामों में व्यस्त भी होंगे और उन्हें करके खुश भी होंगे। फ्रेंड्स, जो प्लांट लवर होते हैं फ्रेंड्स, उनको गार्डनिंग के काम सबसे अच्छे लगते हैं। और आज जो है वो मैं आपसे सर्दियों के इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में बात करूँगी। इसका नाम पाइनसेटिया है और ये बहुत सारे कलर्स में आता है। मेरे पास सिर्फ पिंक है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और इसे मैं लास्ट ईयर लेके आई थी नर्सरी से। वैसे फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा करके पहले नर्सरीज में बताया जा रहा था, लेकिन फिर मुझे एक नर्सरी में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में ये मुझे मिल गया था और तब मैं लेके आई थी। और इसको मैंने एक छोटे से प्लांटर में लगाया हुआ है, DIY प्लांटर है ये, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसमें इसकी। लेकिन फ्रेंड्स, जो इस बार इसके ये फ्लावर्स बने हैं ये बहुत छोटे छोटे बने हैं। और फ्रेंड्स, इसी की एक टहनी में से टूट गई थी जिसको कि मैंने फेंका नहीं था, बल्कि सेम ऐसे ही प्लांटर में ग्रो कर लिया था और अच्छे से ग्रो हो भी गया। और एक ही टहनी है जो बड़ी हुई है, बाकी छोटी छोटी हैं। और इसमें भी इसके कलर आया हुआ है, साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है, बड़ा सुंदर लग रहा है ये। मतलब वो प्लांट इसके आगे फेल हो रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है फ्रेंड्स, जो हम नई कटिंग ग्रो करते हैं उसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा आ जाता है, और जो लास्ट ईयर के प्लांट है उसमें शायद छोटे रहते हों। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, नेक्स्ट ईयर में इस चीज़ का एक्सपीरियंस करूँगी और आप लोगों से भी पक्का शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, फ़र्क आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना बड़ा है। और इसको देखो, जो दूसरा पिछले साल वाला है वो उसके जो है फ्लावर जो है छोटे छोटे बने हुए हैं। सुंदर लग रहा है ये भी, पर वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं फ्रेंड्स क्या रिज़ल्ट रहते हैं इसके और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है, आपसे पक्का शेयर करूँगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बाय।